बाबा जी का यह उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। परम पुरुष पूरन रनी जय गुरुदेव स्वामी नाम चिन के चरण कमल पर कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 6 अक्टूबर 2021 प्रातःकाल के बेला साधन भजन का समय आश्रम उज्जैन। आप लोग अपने अपने घर से यहाँ पर आश्रम पर आए, कुछ लोग सेवा करने के हिसाब से, कुछ मिलने के हिसाब से, कुछ अपने दुख तकलीफ के निवारण के हिसाब से, कुछ लोग सत्संग सुनने के हिसाब से आए, साधना करने के हिसाब से आए, तरह तरह की भावना तरह तरह की इच्छा लेकर के आश्रम पर लोग आते हैं। और जब सच्चे भाव से सच्चे हृदय से अन्य कोई चीज अपनाते हैं तो उसका लाभ मिल जाता है। आप लोगों को सत्संग में बताया गया, छोटी चीज़ों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, हमेशा बड़े चीज़ की चाह रखनी चाहिए। बड़ी चीज़ अगर मिल जाए छोटी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, लेकिन जो छोटे स्तर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो बड़े स्तर तक भी पहुंच जाता है, उसको बड़ी चीज भी मिल जाती है। तो संत मत में सत्संग सेवा और भजन, ये 3 मुख्य बताया गया है। सत्संग की बातों को सुनना चाहिए और सुनने के बाद उसको जो अपने मतलब की है उसको याद करना चाहिए और अपने ऊपर उसको घटा करके देखना चाहिए, यानी आजमाइश करके देखना चाहिए, तो उससे विश्वास बढ़ता है। और जब एक बात पर विश्वास हो जाता है तब दूसरी बात की उम्मीद जिसकी इच्छा होती है वो बन जाती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सत्संग से होती है। सत्संग जब आदमी सुनता है तभी उसकी इच्छा, यानी समझो कि भजन करने में सेवा करने में भी लगती है, इच्छा होती है तब, और नहीं तो इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि मन ने कभी सत्संग सुनवाया नहीं, मन ने कभी सेवा करवाया नहीं संगत की। बाल बच्चों की सेवा तो करते रहते हो लेकिन संगत की सेवा करने का मौका मिला नहीं। तो मन ने न तो कभी सेवा का स्वाद लिया, न कभी सत्संग का रसा स्वादन किया, न कभी भजन किया, तो मन तो दूसरी तरफ लगा है, तो वो इच्छा ही नहीं पैदा करेगा कि भजन किया जाए, ध्यान किया जाए, सेवा किया जाए, क्योंकि मन इच्छा पैदा करता है।
और अनि समझो फिर अनि मन चित्त बुद्धि और अहंकार ये चार हैं। चतुष्ट अंतःकरण आपको बताया गया, चतुष्ट ये कहाँ पर है, ये अनि जहाँ समझो कि गांठ बंधी हुई है, अनि समझो कि वहीं पर है, शेदल कमल के पास में ही हैं, ये तीसरा तिल जहाँ जीवात्मा बैठी है उसी जगह है। तो यहाँ पर कर्म जमा होते हैं जहाँ, उसी जगह पर ये चारों का स्थान है, चार दल कमल बताया गया, इनका वहीं पर निवास है, स्थान है। तो मन चित्त बुद्धि और अहंकार ये चार चीज़ें हैं। तो मन तो इच्छा करता है और चित्त चिंतन करता है कि भाई इसको किया जाए कि न किया जाए, लेकिन चूँकि डोर जो है चित्त की यानी ब्रह्मा के हाथ में है, तो मन अगर नहीं भी कहता है, चित्त अगर चित्त चिंतन करके और मन अगर कार्य को करने के लिए थोड़ा पिछड़ता भी है, तो वो डोरी को खींच देते हैं। ऐसे डोरी जैसे खींची तैसे चित्त जो संकल्प विकल्प करता है यानी जो बुद्धि संकल्प विकल्प करती है वो स्थिर हो जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, बस मन जो है उसी तरफ ले जाता है जिस तरफ यानी उसकी इच्छा होती है। आप समझो मन चित्त बुद्धि, बुद्धि की डोरी किसके पास है, विष्णु के पास में है, विष्णु भी नहीं चाहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देवता ये नहीं चाहते हैं कि यह साधना करे और ये आगे बढ़े। और आद्या महाशक्ति समझो तो ये सबकी गुरु हैं तो माता है, लेकिन ये गुरु का भी काम करती हैं, ये उनको समझाती रहती हैं और वो मन की डोर इनके हाथ में है तो मन को एकदम से मोड़ देती हैं। विष्णु पालन करता तो हैं लेकिन वो भी नहीं चाहते हैं, इसलिए वो भी अनि समझो आप बुद्धि को फेर देते हैं। और अहंकार का कारण तो यही है, अहंकार देखो आदमी किस में पिटता है, अहंकार में पिटता है आदमी का अस्तित्व कहाँ ख़त्म होता है, अहंकार में ख़त्म होता है, आदमी कहाँ हारता है, अहंकार में हारता है, बाकी तो जीत जाता है आप समझो। तो यह मन चित्त बुद्धि और ये अहंकार ये जो लगे हुए हैं ये जल्दी परमार्थ की तरफ बढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन जब सत्संग सुनते रहते हैं तो सत्संग वचनों को याद रखते हैं तब यह वचन याद आ जाता है कि भाई मन अगर कोई गलत काम के लिए कहे जो सत्संग में बताया गया कि यह गलत है उसके लिए अगर कहे तो चित्त से चिंतन करो कि यह ठीक है इस वक्त पर करना कि नहीं ठीक है, उस समय पर यानी समझो कि तुरंत न कर डालो, कोरोना पैदा कर देता है, चलो इसको कर डालो, चलो चलो जल्दी करो, देर न करो, शरीर के अंदर ताकत भर देता है, उस समय चिंतन करो कि भाई ये सही कह रहा है, इच्छा सही हो रही है कि गलत हो रही है, बुद्धि को लगाओ। और बुद्धि भी अगर ये करे तो उस समय पर फिर वचन को याद करो कि भाई बुद्धि हमारी भ्रष्ट तो नहीं हो रही है, गुरु महाराज हमको अकल दो, बुद्धि हमको अब आप बताओ दो, उस समय पर अकल आ जाती है। जब गुरु को याद करते हैं तो गुरु जिसको याद करोगे वो मदद करेगा, गुरु तो आपके अंशग हैं, उनको जब भूलते हो सिर से उतरते हैं मस्तक से हटते हैं तब आप इस चक्कर में पड़ जाते हो। अब अगर आपको उसमें अगर कोई यानी संशय रह जाता है तो दूसरे से पूछ सकते हो, तीसरे से पूछ सकते हो, इसीलिए कहा गया कि प्रेमी से प्रेमी मिले गुर भक्ति दिन हो, प्रेमी को जन्म गया प्रेमी मिलन को, प्रेमियों को प्रेमियों से मिलते रहना चाहिए, एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए, तो गुरु की चर्चा होगी, सत्संग की बातें होंगी, परमार्थ की बातें होंगी। अब ये जरूर है कि मिलते तो हैं लोग लेकिन बस वही बिजनेस व्यापार के बाद नौकरी कैसे मिलेगी, कहाँ से कैसे क्या पैसा आ जाएगा, किस तरह से खेती में बोया जाए कि आमदनी ज़्यादा हो जाए, दुनियादारी की बातें। तो मन अगर थोड़ा स्थिर भी होता है
तो फिर वो उस तरफ चला जाता है जिधर इसको गिजा मिलती रही, जिसको जिधर इसको आनंद आता रहा, जो काम करते रहे ये उधर चला जाता है। इसलिए हमेशा परमार्थ की बात करनी चाहिए। देखो बार बार बताया जाता है, जो चीज़ प्रारब्ध की होती है कहीं नहीं जाती है, मिल जाती है। और जो परमार्थ के काम में लगे रहते हैं, गुरु इतने पावरफुल होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं कि अपने प्रेमी को भूखा नहीं सोने देते हैं। जो भी प्रारब्ध में होता है जरूर मिलता है। आप ये समझो कि गुरु महाराज के पास रहने का बहुत मौका मिला, गुरु महाराज आप समझो प्रचार प्रसार या इन कामों के लिए भेज देते थे तो जाता था, तो इस तरह का अनुभव जो मन में आया कि अब ये हो गया, अब कुछ नहीं खाने को मिलेगा, कुछ नहीं, बस अब सो जाओ दिन भर के भूखे। और तब तक कोई विकल्प निकल पड़ा, विकल्प आ गया है। एक जगह की बात आपको बता ही दूँ, इधर गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया था प्रचार के लिए। तो वहाँ पर जहाँ रुके हम लोग पहुँचे रात को, ज़्यादातर मांसाहारी होटल थे। अब देर में पहुँचे, ठंडी का महीना, खाने पीने का कोई विकल्प नहीं, और सब लोग सुबह से बोले थके थे सोने लग गए। फिर अचानक देखो कैसे दया होती, दिमाग में आया पता लगाया जाए कोई शाकाहारी ढाबा, सब जगह रहता है, माड़वारी भोजनालय या इस तरह के सब जगह रहते हैं। पता लगाते हुए गए, हमने कहा भाई हमारी रोटी सेक दो, आटा है हमारे पास। बोले नहीं नहीं ये सब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो खा लो। उनसे कहा, मैनेजर जो था या मालिक जो भी रहा हो उससे कहा, और ठंडी का महीना 9 के करीब बज रहा था, उसका भी बंद होने का समय हो गया था, तो कहा कि नहीं यहाँ तो खा लो, खाना है तो खा लो। तो फिर जब उससे कहा, पूछा कौन हो क्या है, कुछ बातें बताई, सत्संग की प्रभावित हो गया, तो कहा कि भाई हम लोगों ने कहा हम लोग सब्जी तो खाते नहीं, नमक रोटी खाते हैं, हम आटा ला देंगे, और आटा है हमारे पास, पानी हम ला देंगे, और हमारी रोटी सेक दो, उसका पैसा ले लो जो तुम लेना है उसका किलो के हिसाब से। तो कहा कि तुमको हमारे आदमी तो जा रहे हैं, तुमको आटा गूँथना पड़ेगा। आप समझो कि आदमी उसके तो इसी चक्कर में कि फिर फंस जाएंगे, देर हो जाएगी, ठंडी का महीना, बहुत ठंडी थी और उधर ठंडी होती भी ज़्यादा। तो हम तो आटा पहले गूँथे नहीं थे, हम तो ऐसे शुरू किए जैसे समझ गया ये गूँथ नहीं पाएंगे। वो खुद आया वहाँ सड़का करके, जल्दी 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 करके एक आदमी को रोक लिया, कहा रुक जा, और सेक करके रोटी में नमक डाला था, नमक डाल दिया था उसमें, और डाल करके और लाया, हम जगाए। बोले ये कहाँ से आ गया? अरे हमने कहा गुरु महाराज ने दिया, अब करो भी गुरु पर विश्वास। बोले कि बिल्कुल सही कहा आपने, गुरु भी भेजे हैं ये, बताया नहीं हमने कुछ। सुबह फिर पूछे कहाँ से आ गया था, कहाँ से आ गया था, तब हमने उनको बताया। कहा देखो ये अंदर से एक माध्यम बन गया, फुरना उठ गई, पता लगाओ, नहीं तो ये सब भूखे रह जाएंगे, और भूख तो हमको भी लगी थी, सबको लगी थी। तो ऐसे ही समझो कि गुरु भूखा नहीं सोने देते हैं। गुरु तो इस तरह के होते हैं, समर्थ गुरु जो प्रेमी होते हैं, गुरु महाराज जैसे गुरु, जैसे कहते हैं कि भगत जिधर चले भगवान का उसके पैरों के नीचे हाथ हुआ करता है। इस तरह से अपने बच्चे को कोई क्या परवरिश करेगा, जिस तरह से गुरु परवरिश करते हैं। लेकिन हम आप क्या गलती करते हैं, दुनिया की चीज़ों को ही मांग लेते हैं, उनको नहीं मांगते हैं, उनको हृदय में नहीं बसाते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। उनके वचनों को छोड़ देते हैं, वचन अगर पकड़ लें तो अभी काम बन जाए। तो देखो प्रेम, आप जो है वो थोड़ा होशियार रहो, क्योंकि ठगों ने है जाल बिछाया। अन्य समझो ये जो संसार है यहाँ पर ठगी है, जैसे आप कहते हो कि इस एरिया के लोग बड़े ठग हैं, यहाँ पर तो अन्य कैसे भी होता है, फंसा लेते हैं,
बातों से फंसा लेते हैं, यानी ये काट करके निकाल लेते हैं, मार कूट के निकाल लेते हैं, ले लेते हैं, इधर की ये रियाज नहीं है, ये ठग हैं यहाँ। इसी तरह से समझो ये मृत लोग जो है ये ठगों जैसा है। ये यहाँ पर यानी समझो परमार्थ में अगर होशियार नहीं रहो तो यहाँ पर ठगी हो जाती है, गिर जाते हैं लोग अच्छे अच्छे, यानी समझो कि लोग गिर गए, ऐसा इतिहास बता रहा है। अब यहाँ पर तो आप रहते हो, आपका मन दूसरा है, सत्संग सुनते हो, सेवा भी करते हो, आप भजन ध्यान भी नियमित रूप से सुबह शाम करते हो, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तो समाज में ही रहना है, गांव में ही अपने घर में ही रहना है, मतलब जहाँ रहते हो वहीं रहना है। अब वहाँ का वातावरण कैसा है उसका असर तो आएगा, लेकिन आप देखो कि चंदन विश्वव्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। आप समझो कि चंदन यानी बहुत यानी समझो कि शीतल होता है, तो उसकी शीतलता को लेने के लिए, ठंडी और खुशबू को लेने के लिए सांप उसमें यानी छिपके रहते हैं, लेकिन वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता, अपने गुण को नहीं छोड़ता है। उसी तरह से आपको समाज में प्रेमियों रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यानी समझो एक बार भी अगर कहीं गिरावट हो गई तो समझ लो कि फिर मन उसी तरफ ले जाएगा, ये मानेगा नहीं। आश्रमवासियों को भी यानी समझो कि खतरा रहता है, लेकिन इनको तो खतरा कभी कभी होता है। तो प्रेमियों अगर आप होशियार नहीं रहोगे तो फिर तो ये मन फिसल ही जाएगा, मानेगा नहीं, ये कोई भी काम की तरफ फिसल जाता है, होते हैं ना। राजा तो राजा ने वेद व्यास उनके गुरु थे उनसे कहा, कहा महाराज ये बात नहीं समझ में आती है कि मन कंट्रोल में नहीं होता है। तो बोले राजा ये बहुत कठिन है मन कंट्रोल में करना। ऋषि मुनि योगी सन्यासी सब मन के आगे सरेंडर करके, छोटा सा मन और 3.5-8 का शरीर ये समर्पित हो जाते हैं मन के आगे, यानी शरणागत हो जाता है कि तू जैसा कहो वैसा ही मैं करूं। कुछ नहीं बोले, देखा समझ में नहीं आ रहा राजा के, बोले अब इसके समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा, अनुभव कराना पड़ेगा। गुरु महाराज बहुत अनुभव करा देते थे इन सब बातों का, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो अब आप ये समझो राजा से कहे कि राजा ये बता कि तू अपने मन की चाल को देखना चाहता है, तो हाथ जोड़ दिया यानी स्वीकार कर लिए। बोले अच्छा जा। कुछ दिन के बाद घोड़ा बेचने वाले तेरे महल के पास आएंगे, बगीचे में ठहरेंगे, तू घोड़ा देखने मत जाना, और जा भी अगर मन न माने तो खरीदना मत, और खरीदना तो तू सवारी मत करना, और सवारी भी कर ले तेरा मन न माने तो पूरब दिशा में जंगल की तरफ मत जाना, और वहाँ भी चला जा तेरा मन न माने तो वहाँ तुझको सुंदर जवान लड़की मिलेगी, उसको अपने साथ मत लाना, और अगर तू ले भी आना मन माने तो महल में मत रखना, और देख महल में भी रख ले तो उससे तू शादी मत करना, और शादी भी अगर कर ले तो उसकी बातों में मत आना, उसकी बात को मान मत लेना जो कहे वो, जा अब आजमाइश करके देख ले, बहुत विकल्प दे दिया तेरे को बचने का। राजा गया, सोचता रहा नहीं खरीदेंगे घोड़ा, नहीं जाएंगे देखने, उधर भी नहीं जाएंगे, पूर्व दिशा में भी कुछ भी नहीं, बस कोई बात नहीं बोला हुआ था। तो आ गए व्यापारी घोड़ा बेचने वाले, लोग देखने जाने लगे, दरबार के भी लोग गए,
मंत्री लोग भी गए, बोले बड़े अच्छे अच्छे घोड़े हैं, हजूर को तो देखने लायक खरीदने लायक ही हैं। अब तारीफ किया, बोले नहीं नहीं हमको नहीं देना है, देखने ही जाना है, हमको कोई घोड़ा नहीं खरीदना है, हमारे गुरुजी ने हमारे लिए कुछ आदेश इस तरह का दे रखा है। क्या दे रखा है? तो मंत्री लोग राजा का भला ही चाहते थे, तो मंत्री से यानी जो वफादार होते थे उससे राजा लोग अपनी बात को छुपाते नहीं थे, सब बात बता दिया कि गुरुजी ने ऐसा कहा है। अरे बोले तब तो बहुत विकल्प है आपके लिए, आप खरीद लो, यहाँ बंधे रहेंगे, तमाम राजा महाराजा आते हैं देखेंगे, लोग आते हैं देखेंगे, घोड़े बहुत अच्छे हैं, आप मत सवारी करना, खरीदना ही मत, देख कर तो आओ, पसंद आ जाएगा ले लेना, सवारी मत करना, आप बहुत विकल्प है, मत जाइएगा उधर आप। बस मन बना दिया, मन को लोग बना देते हैं, जैसे साथी मिल जाते हैं ऐसे ही मन बन जाता है। अब जब रोज तारीफ होने लगी, कोई ना कोई बात खाली टाइम में यानी आदमी करता ही है, तो उस समय तारीफ यानी करने लग गए लोग, तो गए राजा और देखे, मन नहीं माना, घोड़ा खरीद लिए और अस्तबल में आ गए घोड़े। अब उसमें घोड़ा बहुत ही बहुत अच्छा था, राजा को बहुत पसंद आया वो, तो घूमते हुए जायजा लेते हुए उधर अस्तबल की तरफ गए जहाँ घोड़े बंधे हुए थे। तो आप सेवा हुई राजा के यहाँ घोड़ों की, तो वो और देखने में सुंदर लगने लगे और तंदुरुस्त हो गए, देखे खुश हो गए राजा। अब वो जो शहीद थे सेवा करते थे घोड़ों की, हाथ जोड़ करके आए खड़े हो गए, सरकार इन पर हम लोग सवारी नहीं करते हैं, या दौड़ेंगे नहीं तो सब खराब हो जाएंगे घोड़े बंधे बंधे, इनको तो चलना ज़रूरी है, इसलिए यानी समझो कि कहते हैं कहावत है कि रोटी क्यों जली और पान क्यों सड़ा और घोड़ा क्यों अड़ा, तीनों का जवाब एक है, फेरा नहीं गया। फेरा का मतलब पलटा नहीं गया, रोटी पलटी नहीं गई और पान को निकाल करके फिर पलटा नहीं गया, तो ये पान का बिजनेस व्यापार जो करते हैं ऐसे निकाल निकाल करके साफ ऐसे ऐसे करके ऊपर से जैसे ताश फेंटा जाता है ऐसे फेंट करके एक दूसरे को ऊपर रख देते हैं, तो पान नहीं सड़ता है, और इकट्ठा अगर रह जाए 24 घंटा तो सड़ने लगता है, और घोड़े अगर चले ना तो अड़ जाते हैं चलते चलते, चलने से एक्सरसाइज होती है, इसीलिए कहा जाता है कि पैर को घोड़ा ही बना के रखो, चलाते रहो इसको, जितने चलोगे उतनी ही बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, उतना जितना जोर पूरे शरीर का पैर के ऊपर पड़ेगा उतना ही पैर मजबूत होगा। तो कहते हैं ना पैर मजबूत कर लो, तो फिर जब पैर मजबूत रहेगा तो सब काम कर सकते हो, क्योंकि जड़ है ये शरीर का, एक तरह से समझो कि नींव मजबूत कर लो तो मकान बनता चला जाए, अच्छा रहे तो बहुत दिन तक चलेगा, ऐसे ये मकान है जो किराए का, उसकी नींव क्या है, ये तलवा है पैर है ये, तो ये मजबूत होना चाहिए, और बूढ़ों को तो और ज़्यादा चलना चाहिए, नहीं तो शुगर का हमला बीमारी का हमला तेज हो जाता है उन लोगों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर। घोड़ों के लिए कहा इनको हम लोग दौड़ाते नहीं हैं तो ये बेकार हो जाएंगे, कहे तो दौड़ाया करो, राजा ने कहा, बोले हजूर जब तक नहीं बैठेंगे, हमारा संकल्प है हजूर नहीं बैठेंगे तब तक हम लोग घोड़ों पर नहीं बैठेंगे। तो लोगों ने कहा कर लीजिए सवारी, बोले नहीं नहीं हम सवारी नहीं करेंगे। अब लग गए, कहते हैं कि एक पर दो लगे चार लगे तो समझ लो दैव लग गए, एक कहावत है। तो अब मन बना दिया लोगों ने, वो भी राजा भी सोचे चलो उस तरफ नहीं जाएंगे पूरब की तरफ, कहा चाहे इधर मुँह करके खड़ा करो घोड़ा, पश्चिम मुँह करके, पश्चिम मुँह करके घोड़ा खड़ा किया और बैठे और लगाम खींचे, कुछ दूर तक तो पश्चिम गया, फिर उत्तर घूमा, फिर घूम गया पूरब, कोशिश के बावजूद भी घोड़ा उधर ही जा रहा, किधर जा रहा है, किधर होनी है,
होनी होती है सो होकर रहती है। वो एक भगत था, जंगल में रहता था, याद कर रहा था गुरु को, कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे। याद तो गुरु को भी आ रही थी कि भगत है, वहाँ इंतजार कर रहा है कि गुरु जी का दर्शन कब होता है, कब दर्शन होता है। गुरु जी भी टाल रहे थे, हो जाएगा कोई बात नहीं, अभी तो ये सब जरूरी काम है। लेकिन घोड़े पर जा रहे थे, कहीं दूसरी दिशा में जाना था, घोड़ा उधर ही खींच करके ले गए। कहा चल तेरी मर्जी है, तब क्या करें। जब वहाँ पहुँचे तब अरे समझो इंतजार कर रहा था, तो कहा कि तेरी मदद तो इसने किया, इसके अंदर भी तेरे वही जीव है, नहीं तो मैं तो इधर आने वाला नहीं था। बोला सरकार मैं तो पहुँच नहीं सकता था, आप अगर मदद किए तो आपका यह सेवक है वो भी तो मदद कर, उसको भी फर्ज बनाओ, वो भी ला करके मदद करके और दर्शन आपका करा दिया। ऐसे समझो कि होनी ले गई उधर, वो घोड़े के मन को अन्य समझो कि किसकी प्रेरणा हुई, जिसके अन्य समझो हाथ में डोर थी कि तू चल इधर ले जा। अब वो पहुंच गया घोड़ा लेकर के, कहाँ पहुंचा, जंगल में। एक लड़की रो रही, देखे तैसे दौड़ करके आई, अरे सरकार आपने मेरे ऊपर दया किया, मैं तो भटक गई थी, सांझ हो रही है, शाम हो रही है, अन्य हमको खा जाएंगे जानवर जंगल के, हमको लेते चलो। आप बड़े धर्म संकट की मदद करें इसकी, वो मदद करते हैं तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र होता है, और मंत्र लोग क्यों पढ़ते हैं, अपनी रक्षा के लिए, फायदे के लिए मंत्र को याद करते हैं, तो उल्लंघन हो जाएगा गुरु के आदेश का। लेकिन अब रक्षा करना भी राजा का धर्म होता है, इसको जानवर खा जाएंगे तो फिर क्या होगा, जंगल में अकेली ये लड़की कहाँ रहेगी, सोचे कैसे ले चलें, कोई विकल्प तो था नहीं। यानी समझो दूरी भी बढ़ गई थी और समय भी हो रहा था सूरज डूबने का। बोले अच्छा चल बैठ जा, घोड़े पर बैठ जा पीछे। अब महल के अंदर जब घोड़े पर बैठा करके राजा और किसी लड़की को ले जाएगा तो सोचो उसकी क्या इज्जत रहेगी, बहुत इज्जत पड़ गई उसकी। लेकिन ये बात उन्होंने यानी महल में रखने वाली बात तो उनको याद थी, बोले अब यहाँ कौन कहने वाला है, हमको सिफारिश करने वाला है, इनकी बात तो मैं मान गया, अब यहाँ तो नहीं मानना है, महल में नहीं रखना है। बोले इसको ले जाओ वहाँ नौकरों के क्वार्टर में रख दो। तो नौकर लोग वहीं पड़ोस में रहते थे, वहीं रहने लग गई। धीरे धीरे झाड़ू झूड़ू करती करती महल में जाने का रास्ता बना लिया उसने। फिर उसके बाद में सेवा से कहते हैं कि आदमी दिल को जीत लेता है और सेवा का लाभ मिलता है। सेवा करने लग गई, रसोई घर तक पहुंच गई, फिर रसोइयाँ जो थी बनाती थी भोजन उनकी सेवा करने लग गई, वहाँ सेवा करने लग गई। लोगों ने कहा बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी सेवा भावी है, तो सेवा से आदमी एक दूसरे का दिल जीत लेता है। देखो जो बहुएँ आती हैं भोजन बनाना जानती हैं और बढ़िया भोजन बना के खिलाती हैं, सास को ससुर को खुश रहते हैं, और जो अपना ही पेट भरती हैं उनके लिए नहीं बनाती हैं, उन्हीं के रसोई की चक्कर बुद्धि लोग डंडा लेकर के लगाती रहती हैं, क्या बना रही है, क्या खा रही है, क्या छन मुन कर रही, कमी कुछ नहीं रहती है। वो जैसा खाती हैं उनके लिए बना दे, ससुर जैसा खाते हैं उनके लिए बना दे, और परिवार के जो लोग हैं रोज़ वैसा ना बना पावे, हफ्ते में एक दो बार बना दे मनपसंद की चीज़, तो आप समझो सबका दिल जीत लेगी और सब उसको महत्व दे देंगे। आप ये समझो भूखे का पेट जो भरता है उसके लिए दिल में उसके स्थान बन जाता है, सम्मान बन जाता है। अब बच्चियों को अगर बच्चियों आप सिखाओगे नहीं रोटी बनाना तो क्या वो बना पाएंगी, इसलिए पढ़ाओ जरूर, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उनको रोटी बनाना भी सिखाओ, भोजन बनाना सिखाओ, उसमें पारंगत कर दो। जैसे डिग्री डिप्लोमा लेती हैं अच्छा नंबर लाती हैं, ऐसे भोजन बनाने में भी पारंगत करना चाहिए, सिखाना चाहिए।
पक्का कर देना चाहिए, अच्छा से अच्छा भोजन जो भी बनता है जिस एरिया में जिस क्षेत्र में वैसा उनसे बनवा करके उनको ट्रेंड कर दो। तो भोजन बनाने लग गई, अब भोजन बना के भेजने लग गई, तो राजा ने पसंद भी किया भोजन को, आप समझो पसंद राजा है राजा लोगों को। देखो फिर वो अनि समझो कि जो लड़की राजा लाए थे वो भोजन बना बना करके राजा के पास भी ले जाने लग गई, अब आप समझो राजा से प्रेम हो गया उसको, राजा ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तो वो तो अंदर से चाहती ही थी मैं रानी बन जाऊँ, बन गई रानी, हो गई शादी। फिर कुछ दिन बीता तो बोली कि भोज नहीं किया आपने, शादी किया, तो कहा भोज तो किया था, बोली यह भोज नहीं, आपके पास कोई कमी है, आप तो सबको बुलाओ, राजा महाराजाओं को बुलाओ और साधु महात्मा ऋषियों को बुलाओ जो जहाँ पर हैं उनको उनको बुलाओ, और जो है राजा महाराजाओं को और प्रजा को बुलाओ, तो सबके लिए अलग अलग भोजन बनने लग गया। बुला लिया उन्होंने, कोई कमी तो थी नहीं, आदेश करना था आदेश कर दिया, व्यवस्था हो गई। अब ये हुआ कि भाई ऋषि मुनियों को पहले खिला दिया जाए, महात्माओं को पहले खिला दिया जाए, फिर राजा महाराजाओं को खिलाया जाए, फिर प्रजा को खिलाया जाएगा। प्रजा जाती थी बैठी रहती थी, खबर आता रहता था अभी तो ऋषि खा रहे हैं, अभी तो राजा उनके बिरादरी के लोग खा रहे हैं, राजा लोग खा रहे हैं, फिर मिलेगा हमको। तो आप ये समझो कि यानी भोज का जब परोसने का समय आया तब वो रानी बोली मैं जाऊंगी परोसने, बोले नहीं तुम कैसे जाओगी, उस समय पर्दा बहुत था, पर्दा नशीनी बहुत थी, तो समझो कि उन्होंने कहा कि आप नहीं जाओगी, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगी तो यज्ञ नहीं पूरा होगा, आप मेरे साथ चलो, बोले तुम हमारे साथ भी नहीं जा सकती हो। अब वो उठाई अपना बर्तन और चल दिया, राजा तो रोके लेकिन माना नहीं उसने, और गई और फिर लौट करके आई पटका बर्तन को और बोली ये जंगलियों को बुला लिया आपने, ये साधु हैं, ये तो हमको गलत नज़र देखते हैं। अब राजा तो आग बबूला हो गया कि मेरी रानी को गलत नज़र देखने की जरूरत हो गई, हिम्मत हो गई, और उठाया तलवार का काट दूंगा एक एक को। बेदब व्यास वहीं बैठे हुए थे, बगल बुलाए आ गए थे, वहीं बैठे हुए थे, पकड़े हाथ डांटे, क्या करने जा रहा है अब, क्या करने जा रहा है, देखा तूने मन की चाल को, फिसल गया फिसलता रहा, देखा तूने, अब गुरु के सामने शरणागत हो गए, जैसे दूर आप समझो कि उबाल फेंक रहा हो, दो बूंद पानी पड़ जाए और नीचे डाउन हो जाए, जैसे ब्लड प्रेशर नपवाते हो गए, देखते हो गए पारा ऊपर बढ़ता जाता है, जैसे ऐसे हवा खोलते हैं उसका नीचे आ जाता है, ऐसे इनका एक तरह से मामला हो गया, गुब्बारा जैसे फूले हुए थे गुस्से में और एकदम से बिल्कुल सिकुड़ गए, जैसे गुब्बारे हवा निकल जाए तो सिकुड़, और इनको एहसास होने लग गया। तो प्रेमियों या मन का जो अनि प्रकाश है रोशनी है ये कहाँ पड़ता है, ये समझो कि ऐसे ये इसका जो आकार है ये ऐसे है, किस पर है ये, कैसे है कि जैसे उल्टा तवा, तो आप समझो कि उल्टा बर्तन कोई है, चिकना बर्तन कोई है, उस पर बूंद पड़ जाए तो कब नीचे गिर जाए कोई ठिकाना है, ऐसे ही मन फिसलता है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति संस्था व सरकार से कोई भी चंदा चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले
व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।